Hi guys, welcome back in IoT playlist, and today's topic is temperature sensor. So in a previous video we have discussed about the classification of sensor. Now we are going to discuss the important sensors like temperature sensor from exam point of view. सो देखिए गाइज, टेम्परेचर सेंसर से क्या समझ में आ रहा है कि आपको मेजर क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द सोर्स, यानी कि किसी भी आउटसाइड सोर्स या भी एनवायरनमेंट में कहाँ पर भी आपको हीट में चेंजेस दिखे या एनर्जी बढ़ रही है घट रही है तो उसको सेंस करता है सिंपली ये, ठीक है। देन अलाउ देम टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज एंड कन्वर्ट दिस चेंज टू डेटा, यानी कि उनको कन्वर्ट करता है डेटा में, फिर वो डेटा आगे प्रोसेसर के पास जाता है। तो इसको टेम्परेचर को सेंसर को एक्चुअली क्या चाहिए, इसको रिक्वायर्ड है RTD यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या बोल दो आप थर्मोकपल, ठीक है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर एक्चुअली वर्क कैसे होता है टेम्परेचर को, मतलब यहाँ पे कैसे आप मशीन यूज करके टेम्परेचर सेंस कर रहे हो। तो देखो, द चेंज इन द टेम्परेचर कोरिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो किसी भी हीट को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, लाइक उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए मशीन का, या उसकी वोल्टेज में फ़र्क आ जाए कि थोड़ी बढ़ जाए या घट जाए, तब अपन एक्चुअली बता सकते हैं कि हाँ भाई टेम्परेचर में फ़र्क आए। यही तो अपन करते आए, टेम्परेचर ऐसे तो निकलता है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में फ़र्क दिखेगा तो अपना अपना काम बन जाएगा और ये अपना टेम्परेचर सेंसर। वर्किंग की बात करूँ यहाँ पे, द वर्किंग ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इज, देखो यहाँ पे द वर्किंग ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इज द वोल्टेज दैट रीड अक्रॉस टू द डायोड। डायोड आपको बताए तो वोल्टेज के डिफरेंस के कारण हमें पता चलेगा कैसे, इफ़ द इंक्रीमेंट इन द वोल्टेज देन द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि वोल्टेज में इंक्रीज हुआ यानी कि 210 से 212 हुई है, यानी कहीं ना कहीं हीट एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ गया। देन देर इज ए वोल्टेज डिक्रीमेंट बिटवीन द ट्रांजिस्टर्स टर्मिनल ऑफ एमिटर एंड बेस, एमिटर और बेस साइड में यहाँ पर अगर बढ़ रहा है वोल्टेज तो कहीं ना कहीं तो डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि उस चीज़ को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एमिटर और बेस के बीच में यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीमेंट हो गया, अब दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है और ये डेटा आपका सेव हो गया। अब देखो, इफ़ द डिफरेंस इन द वोल्टेज इज एम्पलीफाइड, यानी कि पर्याप्त मात्रा जो एक फिक्स अमाउंट में आपका डिफरेंस अगर दिख जाता है वोल्टेज में, देन एनालॉग सिग्नल इज जनरेटेड बाय द डिवाइस एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे डिफरेंस दिखा वोल्टेज में और इसको एनालॉग सिग्नल जनरेट हुए डिवाइस के द्वारा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जिससे हमने बता दिया कि भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर का इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पर इसने टेम्परेचर को इस तरह से सेंस कर लिया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ टेम्परेचर सेंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर सेंसर लाइक इन अ रबर फैक्ट्री, यानी आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, ऐसी फैक्ट्रियों में ऐसी मिल्स में वी नीड दिस काइंड ऑफ सेंसर, लाइक रबर प्लास्टिक एंड बायो मेडिकल इंडस्ट्री में अपन यूज करते हैं। इन अ मैकेनिकल इंजन के अंदर, लाइक इंजन आपका ज़्यादा हीट करने लग जाए तो उसको सेंस करने के लिए। इन इलेक्ट्रिक केबल्स में फॉर इंटरनल टेम्परेचर, यानी केबल के अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वायर जलने का हो सकता है तो उसके लिए अपन को सेंसर चाहिए। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर मेजरिंग द मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर एंड ब्रशेस टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टेम्परेचर सेंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना लिख दोगे डैट वुड बी इनफ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड और ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हो तो पूरा इंटरनेट पढ़ाए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी डाउट क्लियर हो सके और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।